आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की भूगोल की किताब से पाठ 10 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 2। भाग 1 का अभ्यास कार्य हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो भाई देर किस बात की है, जल्दी शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश के एशियाई देशों के नाम लिखिए। तो लिखिए भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान। ये मानसूनी प्रदेश के एशियाई देश हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, मानसूनी प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, जहां मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है उन प्रदेशों को मानसूनी प्रदेश कहते हैं। मानसूनी प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, इस तरीके से पड़ा कि जहां मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है उन प्रदेशों को मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। अगला देखिए, मानसूनी प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में अधिक होती है। तो लिखिए मानसूनी प्रदेश में वर्षा ऋतु में अधिक होती है। मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो लिखिए मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसलें चावल, दाल, कहवा, गन्ना, जूट, कपास, गेहूं, जौ और चना आदि हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, मानसूनी प्रदेश के चाय और चावल के दो प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं। जीर्विवश चीन और भारत मानसूनी प्रदेश के चाय और चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर, कारण बताइए। पहला कारण है, पूछा है मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है, ऐसा क्यों है। तो मानसूनी प्रदेश की अनुकूल जलवायु, अनुकूल का अर्थ है जहां आपके लिए वो जलवायु सूटेबल हो, मतलब आपको वो सूट करे जलवायु, ऐसी जलवायु, अनुकूल जलवायु तथा मानसूनी वर्षा का कृषि में विशेष योगदान होने के कारण मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है। पहला तो रीज़न ये है कि वहाँ की जलवायु अनुकूल है, सूटेबल है, और दूसरा ये कि मानसूनी वर्षा का कृषि में विशेष योगदान होता है, अतः वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा कारण पूछा है कि यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है। यूरोपीय महाद्वीप के विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण यह स्थान वर्ष भर ठंडा रहता है। विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पाती हैं, तिरछी पड़ती हैं या ना के बराबर पड़ती हैं, अतः यह स्थान वर्ष भर ठंडा बना रहता है, जिसके कारण मानसून बनने की संभावना नहीं होती। आपको पता है कि मानसून कैसे बनता है, वर्षा और ताप, यानी जहाँ पर तापमान होगा वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, अतः यहाँ पर मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप के विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण यह स्थान वर्ष भर ठंडा रहता है, जिसके कारण मानसून बनने की संभावना नहीं होती है, अतः यहाँ मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। अगला कारण देखिए, मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा पड़ता है, क्यों। मानसूनी प्रदेश में मानसून के औसत से अधिक आने पर वर्षा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, और मानसून के उचित समय पर न उपलब्ध होने के कारण यहाँ सूखा पड़ने लगता है। तो दोनों ही रीज़न है, इस वजह से मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा पड़ता रहता है। अगला देखिए, सर्दियों में साइबेरिया के पक्षी मानसूनी प्रदेश में प्रवास करते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्यों। सर्दियों में साइबेरिया में अत्यधिक बर्फ पड़ती है और अधिक बर्फ के कारण यहाँ के पक्षी मानसूनी प्रदेश में प्रवास कर जाते हैं। अगला कारण पूछा है, चीन तुल्य प्रदेश में वर्ष भर कृषि की जाती है, ऐसा क्यों है।
तो देखिए, चीन तुल्य प्रदेशों में शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई को पर्याप्त सुविधा होने के कारण इन प्रदेशों में वर्ष भर कृषि की जा सकती है। यही रीजन है कि चीन तुल्य प्रदेश में वर्ष भर कृषि की जाती है। अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कीजिए, मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी तट पर स्थित हैं। खा देखिए, मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए जलवायु उपलब्ध है। गा देखिए, मानसूनी प्रदेश की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर करती है। घा है, मानसूनी प्रदेश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। णा है, पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। और लास्ट है, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश में वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जाती है। हमारा अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है, सही जोड़े बनाइए। तो फिर बनाइए, कराची पाकिस्तान, यांगून म्यांमार, काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, जकार्ता इंडोनेशिया। जी स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अभ्यास कार्य। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कक्षा 8 के अगले और अंतिम अभ्यास कार्य के साथ, जिसका की शीर्षक है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो यहीं पर समाप्त करते हैं हम ये वीडियो। चलिए, अगले वीडियो में जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, थैंक यू।